सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम पर सरकार को एक नई तारीख दे दी है। ये तारीख है 28 सितंबर, लेकिन इस बार कोर्ट ने कहा है कि ये फाइनल मौका है और बार बार इस तरह से तारीख पर तारीख नहीं दी जाएगी। आखिर क्या है ये लोन मॉरेटोरियम और क्या है इसका मामला जो जहां तहां आपको दिखता तो है लेकिन पल्ले नहीं पड़ता? नहीं पड़ता तो चिल हो जाइए, क्योंकि इसे समझने वाले हैं आप आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। तो क्या है ये माथापच्ची? कोरोना वायरस के चलते जब देश में तालाबंदी थी तो मोदी सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए लोन की किस्तें भरने के लिए वक्त देने की घोषणा की थी। घोषणा में कहा गया था कि इस दौरान जिसकी लोन की किस्त पेंडिंग है उन्हें कुछ वक्त के लिए मोहलत दी जाती है। सरकार की घोषणा के बाद RBI ने लोन लेने वालों को तय वक्त के लिए लोन की EMI का भुगतान न करने का विकल्प दिया। ये वक्त 6 महीने के लिए यानी मार्च से अगस्त तक का दिया गया। इसे ही लोन मॉरेटोरियम कहा गया, यानी डिले। 31 अगस्त को जब ये समय सीमा खत्म हुई तो लोन लेने वालों को किस्तें भरने के लिए बैंकों के नोटिस आने लगे। इन नोटिसों में लोन की राशि भरने के साथ ही उस रकम पर ब्याज और उस ब्याज पर भी ब्याज लगाने की बात थी। लोग हैरान परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने मामले को सुना और सरकार से कहा कि ये क्या कंफ्यूजन है, इस पर अपनी स्थिति साफ करें, लोन भरने वालों को बताएं कि बैंक क्या उनके साथ ऐसा कर सकते हैं जबकि आपने ही उन्हें लोन न भरने की छूट दी थी। अब सरकार बैंकों और कोर्ट के बीच फंसी है। इधर कोर्ट ने कह दिया है कि 28 सितंबर तक किसी भी लोन को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में ना डाला जाए। ये भी बोला कि लोन ना भरने वालों की क्रेडिट रेटिंग यानी वो लोन दिए जाने लायक हैं या नहीं इसके आकलन पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि सरकार 28 सितंबर तक साफ साफ बताए कि ब्याज के ऊपर ब्याज को लेकर और क्रेडिट रेटिंग घटाने के बारे में वो क्या चाहती है। कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि अगर आप समाधान नहीं लाएंगे तो हम फैसला सुनाएंगे। इसके बाद सरकार ने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दी है जो इस माथापच्ची में जुट गई है कि लोन ना भरने वालों से ब्याज पर ब्याज लिया जाए या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे बैंक की जेब भी ढीली ना हो और लोन लेने वाले भी परेशानी से बच जाए। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं NPA का, ये भी जान लीजिए कि ये क्या है। जब कोई व्यक्ति या संस्था बैंक से लोन लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो लोन वापस करे ही, कभी मजबूरियों के चलते और कभी इसलिए कि उसका लोन लेते वक्त ही फ्रॉड करना उनका उद्देश्य था, वो पूरा लोन या बचे हुए लोन की किस्त देना बंद कर देते हैं। इन लोन वापस ना करने वालों को डिफॉल्टर कहा जाता है। हो सकता है डिफॉल्टर कुछ दिनों बाद पैसे देने शुरू कर दें, शायद 1-2 किस्तों के बाद या फिर कुछ फॉलोअप्स वगैरह लेने के बाद। लेकिन अगर काफ़ी दिनों बाद और सारे लीगल हथकंडे अपनाने के बावजूद भी बैंक को अपना पैसा इन डिफॉल्टर्स से वापस नहीं मिलता तो वो मान के चलते हैं कि अब ये पैसे वापस नहीं आने वाले। इसे अपनी बैलेंस शीट में असेट वाले कॉलम में रखना अपनी बैलेंस शीट को ख़राब करना है, क्योंकि इस पैसे पर ब्याज भी तो बढ़ता चला जाएगा जो कि आना था मगर नहीं आ रहा, यानी वो भी एक नुकसान है जो मूलधन के विपरीत समय के साथ साथ बढ़ता भी चला जाएगा। तो इसलिए उस अमाउंट को किसी और मद में रख दिया जाता है ताकि बैंक की ऑडिट रिपोर्ट हाथी के दांत सी न बनती चली जाए, वास्तविकता से और दूर और दूर। इस मद को कहा जाता है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट। यानी NPA वो लोन यानी मूलधन प्लस ब्याज है जिनकी वापसी की उम्मीद उतनी ही है जितनी जिस्म से जुदा हुई रूह की। इसलिए ही तो ऐसे पैसे का वापस आना किसी जादू से कम नहीं होता। NPA का शब्दशः अनुवाद करें तो ऐसी संपत्ति जिसका कोई मूल्य नहीं या ऐसी संपत्ति जो परफॉर्म नहीं कर रही। सोचिए ना, जो लोन बैंक ने किसी को दिया है वो अन्यथा तो उसके लिए असेट ही था यानी संपत्ति ही था और उस पर मिलने वाला ब्याज भी, लेकिन अब उसके लिए ये सारा पैसा वैसा ही है जैसा लंका में खूब सारा सोना। काफ़ी समय बाद जब बैंक निश्चित हो जाता है कि NPA अब नहीं मिलने वाला है तो उसे अपनी बैलेंस शीट में से भी हटा देता है, मतलब राइट ऑफ कर देता है। थोड़ा ब्लैक रेफरेंस है लेकिन जज्ब कीजिएगा प्लीज़। NPA अगर लोन की असामयिक मृत्यु है तो राइट ऑफ उसके बाद के सारे मृत्यु संस्कार। खैर, अगर लोन ना भरे जाने पर NPA हो गया तो कस्टमर को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा होने के बाद बैंक से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, सिर्फ एक बैंक से नहीं बल्कि सभी बैंकों से। कैसे जानते हैं?
लोन की किस्तें वक्त पर ना भरने से आपकी सिबिल रेटिंग खराब हो सकती है। सिबिल रेटिंग वो रेटिंग होती है जो आपके बैंक के तौर तरीके को लेकर बैंकों को ताकीद करती है। ये किसी फिल्म रिव्यू पर मिली रेटिंग जैसा है। ज्यादा रेटिंग मतलब बेहतरीन फिल्म, कम स्टार मतलब पैसा और वक्त दोनों बर्बाद। बैंक भी अपने हर कस्टमर के बैंकिंग के तरीके से रेटिंग देते हैं। इसमें अकाउंट में कितना पैसा है, क्रेडिट कार्ड की किस्तें वक्त पर जमा हो रही हैं या नहीं, लोन कितना और कब तक के लिए ले रखा है, जैसी कई चीज़ें शामिल होती हैं। इस सिबिल रेटिंग के आधार पर ही बैंक तय करते हैं कि किसी शख्स को लोन देना है या नहीं, अगर देना है तो कितना। किसी का लोन NPA हो जाता है तो उसे आगे लोन मिलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या है कि बैंक वसूली की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसमें लोन के बदले जो कोलैटरल, जैसे कोई संपत्ति या सोना आदि जो बैंक के पास लोन के बदले गिरवी रखा जाता है, उसे जब्त करने की कार्रवाई शुरू होती है। मतलब जो अमानत आपने उस लोन के बदले बैंक को दी वो तो हाथ से जाएगी ही, बैंकों का भरोसा भी आपसे उठ जाएगा। वसूली के लिए बैंक थर्ड पार्टी की मदद ले सकते हैं। हालांकि नियम कायदों के अनुसार रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वाले को परेशान नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा असल जिंदगी में होता नहीं है। रिकवरी एजेंटों के हद दर्जे तक परेशान करने की खबरें लगातार आती रहती हैं। इसकी वजह से कई लोग टेंशन में आकर आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। बैंकों को अपने लोन की इतनी चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि यही उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। बैंक का असल बिजनेस सेविंग्स खातों में रखे पैसे पर लोन देना नहीं, बल्कि लोन देकर उस पर कर्ज कमाना है। ऐसे में अगर उनके कर्ज पर मिलने वाला ब्याज उनके हाथ से जाता है तो उन्हें दर्द होता है। ये वैसा है जैसे बाबा को बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा होता है। तो इस प्यारे पोते को बचाने के लिए ही बैंक सरकार से मॉरेटोरियम में रियायत पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी आगे क्या होगा ये 28 सितंबर तक कोर्ट में पता चल जाएगा। इस मामले से जुड़े रहने के लिए देखते रहें लल्लन टॉप। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे मेल भी कर सकते हैं thelallantoppp@gmail.com पर। ये जानकारी लाए थे आपके लिए मेरे साथी अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।